स्टडी विद मी अ लर्निंग एक्सपीरियंस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम करेंगे जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की टेक्स्ट बुक uh, से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर वन अ मास स्प्रिंग सिस्टम हैज मास एम अटैच्ड टू अ स्प्रिंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स मास इज इंक्रीज बाय फोर टाइम्स ये एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें मास एम लगा हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट के है अगर इसको ये कह रहे हैं कि बढ़ा दिया जाए और मास फोर एम कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा ऑप्शन दे रहे हैं बिकम्स डबल बिकम्स हाफ बिकम्स फोर टाइम्स और रिमेन्स सेम हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या पे होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट एम ओवर के अब अगर एम को फोर टाइम्स कर दिया गया तो अब फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट फोर एम बाई के अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फोर को हम लोग लोग लिख सकते हैं टू स्क्वायर अब टू स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है तो ये बाहर जब आएगा स्क्वेयर रूट से तो टू बाहर आ जाएगा सिर्फ अकेला और अंदर स्क्वेयर रूट एम और के ही रह जाएगा अब इस टू को अगर हम लोग इस पूरे में कॉमन ले लें बाहर ले हैं। तो अंदर क्या बच जाता है टू पाई स्क्एर रूट एम और के टू पाई स्क्वेयर रूट एम और के इसको आप देखें तो ये पिछले वाले स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का पूरा टाइम पीरियड था स्प्रिंग मास सिस्टम का टू पाई रूट एम और के टू पाई स्क्वेयर रूट एम और के और यहाँ पर एक टू एक्स्ट्रा लग गया यानी टू टाइम्स हो गया पिछले टाइम पीरियड से तो ये बिकम्स डबल क्वेश्चन नंबर टू स्प्रिंग इज अटैच्ड स्प्रिंग इज स्ट्रैच्ड फाइव सेंटीमीटर बाई ट्वेंटी न्यूटन फोर्स वॉट इज़ इट्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बहुत आसान है ऑप्शन हैं हंड्रेड न्यूटन पर मीटर फोर हंड्रेड न्यूटन पर मीटर फोर्टी न्यूटन पर मीटर या फोर न्यूटन पर मीटर ये हमारे पास एक स्प्रिंग अटैचड है और ये आप देखें यहाँ तक अनस्ट्रैचड है जब स्ट्रैच करते हैं तो एडिशनल कितना हो गया फाइव सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया है और फोर्स कितनी है फोर्स लगाई गई है ट्वेंटी न्यूटन हमने मालूम क्या करना है के फार्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स के फाइंड करना है तो इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एक्स फोर्स क्या थी ट्वेंटी न्यूटन और एक्स की वैल्यू हमें पॉइंट जीरो फाइव मीटर क्योंकि फाइव सेंटीमीटर है तो ये बना दिया हम लोगों ने जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर ट्वेंटी डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो फाइव हो जाता है फोर हंड्रेड और न्यूटन पर मीटर तो वही है तो हमारे पास ऑप्शन ये आ जाता है बी फोर हंड्रेड न्यूटन पर मीटर क्वेश्चन नंबर थ्री इफ एम्पलीटूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड वॉट हैपन्स टू इट्स टाइम पीरियड बिकम्स डबल बिकम्स हाफ बिकम्स फोर टाइम्स या रिमेंस सेम तो ये एक पेंडुलम है ये इसका देखें मेन लाइन थी इसका एम्पलीट्यूड इतना है अगर इसको डबल करके मिसाल के तौर पर यहाँ तक ले आते हैं और फिर टाइम पीरियड क्या होगा तो आपको टाइम पीरियड का पहले इक्वेशन पता होना चाहिए टू पाई स्क्वेर रूट एल एलो जी अब आप देखें इसमें कहीं पे एम्पलीट्यूड है नहीं है लेंथ पे डिपेंड करता है या एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब है कि ये रिमेन सेम होगा टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होता टाइम पीरियड के ऊपर तो रिमेन सेम क्वेश्चन नंबर फोर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बी स्मॉलेस्ट एट मरी मून पोल्स इक्वेटर एक मरी लें आप ये किसी पाकिस्तानी ने बुक छापी है मरी ऐसे ही हम मरी वालों को खुश करने के लिए लिख दिया है वरना इसका कोई यहाँ पे तुक नहीं है मून और ये पोल्स और इक्वेटर अर्थ हैं तो इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है ये एक सिंपल पेंडुलम है ठीक है और टाइम पीरियड इज इक्वेटर टू पाई स्क्वायर स्क्वेयर उठ एलोर जी तो हम लोगों की लेंथ तो सेम रहेगी यही लेंथ है ये इसी हम लोग पेंडुलम को उठा के चांद पे भी लेकर जा रहे हैं पोल्स पे भी लेकर जा रहे हैं इक्वेटर पर लेकर जा रहे हैं तो लेंथ तो सेम है तो इसका फर्क नहीं पड़ता जी का फ़र्क पड़ेगा तो लेंथ का कोई फ़र्क नहीं है लेंथ इज़ कॉन्स्टेंट सो लुक वेयर वैल्यू ऑफ जी विल बी ग्रेटेस्ट क्यों क्योंकि जहाँ पर जी ग्रेटेस्ट होगा वहाँ पर टी स्मॉलर होगा दोबारा क्योंकि टाइम पीरियड इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी ये जी नीचे आ रहा है तो जहाँ पे जी ग्रेटेस्ट होगा वहाँ पे टाइम पीरियड स्मॉलेस्ट होगा और हमने वही मालूम करना है कि टाइम पीरियड कहाँ पे स्मॉलेस्ट है तो आप देखें अर्थ और मून के ऊपर स्मॉलर जी जो है चांद के ऊपर है और ग्रेटर वैल्यू ऑफ़ स्मॉल जी जो है ज़मीन के ऊपर है तो हम लोगों ने तो क्या मालूम करना है ग्रेटर वैल्यू ऑफ़ जी तो चांद के ऊपर स्मॉलर है जी के ऊपर ग्रेटर है तो ज़मीन के ऊपर यानी कि मून वाला ऑप्शन भी ख़त्म हो गया ठीक है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू ऑफ़ जी कहाँ पर है ज़मीन के ऊपर चांद के ऊपर स्मॉलर है अगर चांद वाली वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो टी की वैल्यू जो है वो स्मॉलर नहीं आएगी काफ़ी बड़ी वैल्यू आ जाएगी जबकि ये वाली वैल्यू डालेंगे तो स्मॉलर वैल्यू आएगी तो मून भी आउट हो, हो गया अभी पोल्स और इक्वेटर रह गए अब इसमें हम देखते हैं कि आप देखें दुनिया पूरी गोल नहीं है थोड़ी सी चिपटी हुई है तो यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है उससे पोल्स का फासला कम है और ये जो इक्वेटर का फासला है ये ज़्यादा है ठीक है इसकी बेसिस पे आप देखें कि यहाँ से फासला कम है तो जब फासला कम है तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी ज़्यादा ग्रेविटी से पुल करेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा होगी जबकि यहाँ तक फासला ज़्यादा है फासला ज़्यादा होने की वजह से ग्रेविटी कम होगी एक्सीडेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू स्मॉलर होगी हमने क्या देखना था जी तो की ग्रेटर वैल्यू तो जी की ग्रेटर वैल्यू पोल्स के ऊपर है जब पोल्स के ऊपर ग्रेटर वैल्यू हम डालेंगे तो टी की वैल्यू हमें स्मॉलर मिल जाएगी तो इसलिए पोल्स ही के ऊपर जो है ना स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी टाइम पीरियड की क्वेश्चन नंबर फाइव इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन टू सेकंड्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ टू हर्ड्स वन हर्ट्स पॉइंट फाइव हर्ट्स या टेन हर्ट्स बहुत आसान सा है ये आप देखें ये पेंडुलम है ये वन वाइब्रेशन यहाँ जाना और वापस आना ये कंप्लीट कर रहा है टू सेकंड में ठीक है इसका टाइम पीरियड है टू सेकंड यानी कि ये सेकेंड पेंडुलम है तो फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है फ्रीक्वेंसी का तो बहुत आसान सा फार्मूला है फ्रीकवेंसी इज टू वन डिवाइड बाई टी टाइम पीरियड कितना है एफ डिवाइड बाई टू कितना होता है पॉइंट फाइव तो ये ही हमारा सी आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स थ्री सिक्सटी आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ रिवर इन वन आवर टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज़ यानी कि ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी बताई गई है तीन सौ साठ गुजर रही हैं घंटे में लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको पता है ना हमेशा सेकेंड्स में होती है ये एक चेक पॉइंट है आगे चलते हैं ऑप्शन क्या हैं पॉइंट वन सेकेंड वन सेकेंड टेन और हंड्रेड सेकेंड मालूम क्या करना है टाइम पीरियड तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लें नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स फ्रीक्वेंसी को इसको हम लोगों ने सेकंड्स में करना थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकंड एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई सिक्सटी थ्री सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकंड थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड मीन्स पॉइंट वन हर्ड्स ये फ्रीकवेंसी हर्ट्स में क्योंकि जब सेकंड में करते हैं तो हर्ड्स में फ्रीक्वेंसी आ जाती है और टाइम पीरियड होता है वन डिवाइड बाई एफ और वन डिवाइडेड बाई पॉइंट वन मीन्स टेन सेकेंड्स तो सी इज़ द आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर ऑफ रिपल टैंक इज पॉइंट फाइव सेकंड वाटर वेवस इन रिपल टैंक हैज स्पीड ऑफ यानी टाइम पीरियड पॉइंट फाइव सेकेंड आ गया वाटर वेव इन रिपल टैंक हैज़ स्पीड ऑफ़ टेन मीटर्स पर सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इज बड़ा सिंपल है कुछ चीज़ें इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए दी हुई है। हैं देखें अब यह आंसर बता रहे हैं फ्रीवेंसी का फिफ्टी हर्ट्स पॉइंट फाइव हर्ट टू हंड्रेड हर्ट्स या टू हर्ट्स इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है जब आपको टाइम पीरियड मिल गया है तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है बड़ी आसानी से वन डिवाइड बाई टी है वन डिवाइड बाई पॉइंट फाइव और आंसर आ जाता है टू हर्ट्स तो ये डेल्टा आपका आंसर है डी पॉइंट क्वेश्चन नंबर एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गीडनल वेव जब भी कभी लॉन्गील वेव का आपके जहन में आए आपके पास आना चाहिए फेडरल बोर्ड हमेशा इस केस में साउंड ही का आंसर दे रहा होता है ऑप्शन दे रहा है एक्सरेज लाइट स्ट्रिंग वेव्स और साउंड आंसर यही है लेकिन आपको जरा समझा दूँ के जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो यूँ क्रेस्ट और ट्रफ्स बनाती होती हैं क्रैस्ट और ट्रफ्स जो लॉन्गील वेव्स होती हैं वो ये कंप्रेशन बनाती हैं और फिर रिफ्लेक्शन या एक्सपेंशन बनाती है कंप्रेशन बनाती हैं या रिफ्लेक्शन और एक्सपेंशन बनाती होती है, हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सूरज से आ रही होती हैं उनके अंदर पूरा स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइट रेज भी होती हैं उसी के अंदर एक्स रेज भी होती हैं और वो सब की सब किस तरह घूमती हुई आ रही हैं वो देखें ठीक है कौन सी शेप में आ रही हैं लॉन्गी तो नहीं आ रही ठीक है ये ट्रांसवर्स वेव में आ रही है ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में आ रही है तो ये दोनों आउट हो गए स्ट्रिंग वेव्स कैसी होती हैं स्ट्रिंग वेव्स भी देखें आप झटका देते हैं यूं करके ऊपर नीचे जा रही होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स साउंड वेव्स ये अगर फोर्क को आपने ट्यूनिंग फोर्क को जो है किसी जगह से हिट किया है तो ये साउंड जनरेट कर रहा है वाइब्रेशन तो कंप्रेशंस रिफ्रैक्शंस कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शन तो यही हमारा आंसर है साउंड वेव्स क्वेश्चन नंबर नाइन व्हेन वाटर वेव्स एंटर फ्रॉम डीप वाटर to shallow water frequency of water wave increases time period of water wave decreases स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेज़ या वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव डिक्रीजेज़ चारों चीज़ें बता दी फ्रीकवेंसी टाइम पीरियड स्पीड और वेव लेंथ आप डायग्राम से समझिए इनशाला सारी जिंदगी नहीं भूलेगा ये डीप वाटर है देखें आप डेप्थ है इसमें वेव्स बड़ी बड़ी जा रही हैं और बड़ी स्पीड से समुद्रों में भी आप देखें गहरे पानियों में बड़ी तेज़ी तेज़ी से वेव जा रही होती हैं जबकि साहिल समुद्र के करीब यहाँ पे इन्होंने साहिल बनाने के लिए तो नहीं लेकिन शैलो करने के लिए यहाँ पे कोई एक वुडन बार या स्लैब रख दी जिसकी वजह से शैलो होगी है डेप्थ कम होगी है अब यहाँ पर जो है ये रुक रुक के जा रही है इसको स्पीड को इसको तोड़ा जा रहा है इसकी स्पीड रुक रही है यहाँ पे ठीक है और अब इस लिहाज से आपने देख लिया डीपर रीजन शेलोअर रीजन तो डीपर रीजन में वेव लेंथ जो है कितनी है देखें ज़्यादा लंबी लंबी वेव्स हैं और शेलोअ रीजन में वेव की लेंथ कितनी है कम हो रही है ये एरो स्मॉलर वेव है डीपर रीजन में स्पीड ज़्यादा है वेव्स की लंबी लंबी वेव चल रही होती हैं जिस तरह समुंदर में और बिल्कुल जिस तरह हमारा आ, कराची है कराची में साहिल के पास बहुत शैलो रीजन है उसमें स्पीड कम हो जाती होती है वेव्स की तो एक जुमला आप याद रखें इन शैलो स्पीड स्लो ये तीन कैपिटल एस मैंने दिखा दिए हैं इन शैलो स्पीड इज़ स्लो तो स्पीड ऑफ वाटर वेव डिक्रीज ये हमारा आंसर है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर टेन लिसनिंग टू रेडियो ट्रांसमिशन इन डीप वैलीज ऑफ माउंटेन एरियाज इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स या डिफ्रैक्शन ऑफ़ रिफ्लैक्शन क्या होती है किसी जगह से टकरा के आवाज़ वापस मुड़ाना रिफ्कशन क्या होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए बेंड कर जाना अवे फ्रॉम द नॉर्मल इंटरफेरेंस क्या होती है कि ये एक वेव यहाँ से जा रही है ये वाली वेव और ये दूसरी वेव यहाँ से जा रही है तो ये दोनों आपस में इंटरफियर कर रही हैं टकरा रही हैं तो एक नया पैटर्न बन जाता होता है और डिफ्रैक्शन क्या होती है किसी एक जगह पॉइंट से टकरा के थोड़ा सा दाएँ बाएँ मुड़ जाना तो ये डिफ्रैक्शन होती है बेसिकली पहाड़ से टकरा के भी जो वेव्स होती हैं वो दाएं बाएं स्प्लिट आउट होके जो है मुड़ जाती हैं और नीचे वैलीज़ में भी सुनाई देती हैं तो डिफ्रैक्शन ऑफ़ वेव्स इज़ द आंसर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा नहीं पसंद आई तब भी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा थैंक यू